नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। नवडीह प्रखंड के सहायक अध्यापक की एक बैठक जिला उपाध्यक्ष नारायण महतो की अध्यक्षता में की गई, जिसमें बोकारो जिला उपाध्यक्ष नारायण महतो ने कहा कि 2 माह से सहायक अध्यापक का मानदेय नहीं मिला है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। धान की खेती भी नहीं कर पाए हैं, अगर मानदेय नहीं मिलता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर द्वेश पटेल, भागीरथ महतो, उमेश कुमार महतो सहित कई सहायक अध्यापक उपस्थित थे। मेरा स्थिति चरमरा गया है हम लोग सहायक अध्यापकों का, क्योंकि हम लोग को बहुत कम मानदेय मिलता है और पूरा परिवार को चलाना पड़ता है, माँ बाप बाल बच्चा पढ़ाना लिखाना, जिससे हम लोग को आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया है। अभी धान रोपनी का समय था, हम लोगों ने अपना धान खेत में कुछ पानी बरसा था जो कि मजदूरा नहीं लगा सके और हम लोग धान रोपनी नहीं कर पाए। इतना स्थिति खराब हो गया है कि हम लोगों में काफ़ी आक्रोश है। अगर सरकार के ये रवैया रहेगी तो हम लोग फिर पुरजोर आंदोलन करने की तैयारी नवाडी से करेंगे और ये सरकार के भूखा पानी बंद करेंगे। कारण कुछ नहीं, सरकार का पूरा ये लापरवाही है, पूरे सरकार के यहाँ पर लापरवाही दर्शाया जा रहा है। सरकार कुछ नहीं खाई, ये लोग जैसा चुपले साथ चूसने का हम लोग काम दिया, कुछ नहीं कर रहा। हम लोग जितना मेहनत करते हैं उसके मेहनत के अनुसार तो हम लोग मानते भी नहीं मिलता है। हम लोग का इतना स्थिति खराब है, जून जुलाई अगस्त 3 महीना हो गया, अभी तक हम लोग पेमेंट जो मानते हमारे खाते में नहीं एंट्री नहीं हुआ। बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई घर से लेकर राशन के लेकर सारा काम में हम लोग परेशानी, बहुत दिक्कत हो रहा है। और इसी तरह से आने वाला दिन में कुछ भी घटना घट सकता है, अगर सरकार इस बात को ना लेते हैं तो नवाडीह प्रखंड में सेक्रेटरी होने के नाते में नवाडीह प्रखंड सेक्रेटरी एकीकृत संघर्ष मोर्चा की ओर से एक धारधन आंदोलन करेंगे झारखंड में। वी टाइम न्यूज के लिए बोकारो झारखंड से तुलसी प्रसाद की रिपोर्ट।